गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो स्केलर मैट्रिक्स किया था और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था। बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए। ओके, अगर किसी मैट्रिक्स को उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, या पहले मल्टीप्लाई किया जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से या फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसकी वैल्यू क्या है, वो मैट्रिक्स ए ही आती है। ओके, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ओके, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो, वो सारी कंडीशन में मैट्रिक्स ए ही आएगी। सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके पावर एन है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके पावर एन है, तो फिर उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ही होती है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आते। अगर उसके पावर में एन है तो उसके कोई उसमें चेंजेस नहीं आते, वो सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है। थर्ड नंबर की है कि अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कर दें, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स करें तो उसका क्या आइडेंटिटी, उसकी मैट्रिक्स क्या आती है, उसकी मैट्रिक्स सेम ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर इस तरीके से यहाँ पे है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है, अगर हम इसका इन्वर्स ले लें तो इसका इन्वर्स लेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये मैट्रिक्स हमारी एज इट इज़ रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर पे प्रॉपर्टी है, अगर हम आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट या मॉड ले लें उसका, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 1, ये डिटर्मिनेंट है। अभी हमने बताया था कि जैसे कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लिखें, तो डिटर्मिनेंट लिखने के लिए अभी हमने क्या बताया था कि इसका जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे हमारी 4x4 की होती मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से अगर मैट्रिक्स होती, ये 4x4 की है, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना होता तब भी क्या करते, इनके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें वैल्यू मिल रही है 1।
ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए क्या है ये सारी वैल्यू सेम है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह कोई डायगोनल मैट्रिक्स कुछ और होती, स्केलर मैट्रिक्स होती, ओके, तो उसकी वैल्यू क्या है कुछ और आती। स्केलर मैट्रिक्स होती तो वो क्या है कि उसकी वैल्यू तीनों ये वैल्यू सेम होती है, बट वो क्या है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है कि यहाँ पे वन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, कुछ भी वैल्यू हो, वन हो, टू हो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, बट वैल्यू जो भी है वो सारी सेम होनी चाहिए। क्लियर है इतना? तो उसमें भी अगर जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती स्केलर मैट्रिक्स के लिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर फोर है तो यहाँ पे भी फोर होना चाहिए, यहाँ पे भी फोर होना चाहिए, यहाँ पे भी फोर होना चाहिए, किसके लिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए। और फिर इस स्केलर मैट्रिक्स के लिए, फिर इसके लिए अगर हमें ये मैट्रिक्स मान लीजिए ए थी, तो इसका अगर हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, तो क्या करते हैं हम, डायरेक्टली हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। क्लियर है इतना? तो ये हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, उसी तरीके से हमें प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है डायगोनल मैट्रिक्स की, और फर्दर बहुत सारी अभी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, सम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ आएगी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आएगी, तो उन सबको हमें ध्यान में रखना है ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बट बहुत लेंदी होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज़ याद होगी तो हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर और उसकी प्रॉपर्टीज़ ये सारा डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।